जिन्हां नूं कुछ नहीं पता, ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री करते पे हाँ, पहला चैप्टर ही आ ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री का, हैलो अल्कीन एंड हैलो अरीन। इहदे विच कैमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते पे ही फस्ट कंप्लीट हो चुकी है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टीट्यूशन रिएक्शन, अज आप स्टार्ट करनी है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पूरा पहला टॉपिक समझो, एलिमिनेशन रिएक्शन कदों होंगी, केड़ियां केड़ियां कंडीशंस चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन होने की पहली कंडीशन हैगी आ प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए आ प्रेजेंस ऑफ बेस। तीसरी कंडीशन की होनी है, ये नाम ही कवर करते हैं, एलिमिनेशन होनी है। एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल ही हुंदा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। देखियो आ तिन्ने चीज़ा, जिस तरह इत्थे आपां जिस कार्बन दे नाल लाउने आ हैलोजन, आ वेखो इस कार्बन नाल हैलोजन लाया, इहनू कहिंदा अल्फा कार्बन। जिस कार्बन दे नाल फंक्शनल ग्रुप लगा हुंदा, हैलोजन लगा हुंदा, उहनू अल्फा कार्बन कहिंदा। इहतों जिहड़ा नैक्सट हुंदा उहनू आपां बीटा कार्बन कहिंदे। बीटा कार्बन ते इस बीटे कार्बन नाल जिहड़े हाइड्रोजन लगे ने, इन्हां नूं कहिंदा बीटा हाइड्रोजन। अगला गामा ते फिर डेल्टा हुंदा। आपां हुण इह कहा वा भी इदां दी चीज़ होनी चाहीदी जिहदे विच बीटा हाइड्रोजन होवे। पहली कंडीशन की आ, बीटा हाइड्रोजन होना चाहीदा। जे मैं इत्थे एक एग्जाम्पल लिखा CH3 ते CL, इस तरह जिहदे नाल CL लगा वह किहड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, ते इस कार्बन दे नाल जेड़ा हाइड्रोजन लगा उनू अल्फा हाइड्रोजन कहिंदा। इत्थे बीटा हाइड्रोजन है नहीं, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इस कंपाउंड दे नाल एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, किहदी प्रेजेंस होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन की। इनू चीज़ नू फिर कवर करिए, जिदा कार्बन दे नाल लगा हैलोजन, ते किहड़ी चीज़ बन जाती हैलोलकेन, ते जिस जेड़ा हैलोजन ये कार्बन ना लगा उन्हूं अल्फा कार्बन कहिंदे। अल्फा कार्बन ये तो नैक्सट कार्बन केड़ा हुंदा, बीटा कार्बन, ते इहदे नाल हाइड्रोजन का होना जरूरी, भावें इको ही क्यों ना होवे। होगा कि पहली कंडीशन समझ लग गई, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। जिदा एसिड बेस होंगे ना, बेस कोई आपां पाता NaOH। दूजी कंडीशन भी की होगी, इत्थे बेस होना चाहिए, जिहड़ी आ चीज़ इत्थे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, इत्थे बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा की आपां किया, हाइड्रोजन ने रिमूव होना किहड़े कार्बन तो, बीटा कार्बन तो। आ जिहड़ा बीटा कार्बन आ, इहदे तो किन्ने रिमूव हो जाना हाइड्रोजन ने, ते अल्फा कार्बन तो किन्ने रिमूव हो जाना हैलोजन ने, इन्हां ने इत्थों रिमूव हो जाना, ते आ बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जाना, अगे जाके कंपाउंड बनना जे अल्कीन, कार्बन ते कार्बन च डबल बॉन्ड। किहड़ा कंपाउंड बनूगा फोर्थ, की आपां लिख सकदे आ, अल्कीन्स आर फॉर्मड। डबल बॉन्डिड हाइड्रोकार्बन नूं आपां की बोलदे, अल्कीन बनगे। इहदा इक आपां होर नाम भी रख सकदे आ,
इनू आप कह सकते हैं डीहाइड्रोहैलोजीनेशन। डीहाइड्रोहैलोजीनेशन ये नाम क्यों किया? क्योंकि इत्थे हाइड्रोजन रिमूव हुंदा पिया, हैलोजन रिमूव हुंदा पिया, जदों रिमूव हुंदे फिर आपां डी वर्ड लाईदा, इनू कहीदा डीहाइड्रोहैलोजीनेशन। तैयार रिएक्शन हो गई अपनी, इनू प्रॉपर हुण लिख लिए, समझ लग गया ना? ठीक है, जे आपां इनू पूरा प्रॉपर कोई लिख लिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कोई हैलोजन हो गया, इहदे एच पूरे करिए, सी एच टू हो गया, ये भी एच पूरे कर दें, ये आप किनू पाया बेस न, बेस हैगा एन ए ओ एच, एन ए ते प्लस हो, ओ एच ते माइनस होगा, ए हैगा अल्फा कार्बन, ए बीटा कार्बन, तो आ बीटा हाइड्रोजन, आ बीटा हाइड्रोजन जी, यदा जोड़ा ओ एच नैगेटिव आदे तो अटैक करेगा, तो इन्हें इतों रिमूव हो जाना। ओ एच ते एच रल के केड़ी चीज़ बन जानी? वाटर, वाटर बाहर निकल गया, फिर आ जेड़ा आ बोंड इत्थे आऊगा, तो आ सी एल अपना बोंड भी नाल लै गया, एन ए ते सी एल रल के केड़ी चीज़ रिमूव होगी? एन ए सी एल, बचिया की साडे कोल केड़ी चीज़ बचती है? कार्बन डबल बोंड कार्बन, कार्बन डबल बोंड कार्बन, इधर किन्ने एच बचे? दो, इधर भी किन्ने एच बचे? दो, अलकीन बन गया। पूरा क्लीयर? एदा एक नाम होर रख लिए, इनू होर की कहिंदे आ? बीटा एलिमीनेशन, बीटा एलिमीनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन केड़े कार्बन तो जांदा पिया? बीटा कार्बन तो। करो नोट, नोट करदे करदे देख लिया करो, जिथे प्रॉब्लम पूछ लिया करो। ये फिर नोट हो जाना, देख लियो। हुण ना इत्थे दो कंडीशन्स देखियो, जिस कार्बन ना हैलोजन लगदा उहनू केड़ा कार्बन बोलीदा? अल्फा कार्बन, ते इहतों नैक्सट हुंदा बीटा कार्बन, फस्ट कंडीशन। सैकेंड भी देखियो, जिस कार्बन दे नाल हैलोजन लगा अल्फा कार्बन, ते एतो नैक्सट बीटा कार्बन, ते एतो नैक्सट आ भी ते हैगा ही आ, ए भी केड़ा कार्बन? बीटा कार्बन। इत्थे दो बीटा कार्बन, इत्थे इको बीटा कार्बन, बाकी इन्हां दे एच पूरे करिए, सिंगल बॉन्ड आ, इत्थे तीन एच ला दिंदे, ते इत्थे किन्ने लगणगे? दो एच होर। इधर भी कंप्लीट करिए, इधर लग जाने तीन, आपां इको दी लोड हुंदी, आपां इत्थे एच टू लिखदा, आ वेखो तीन, जां इत्थे एच थ्री लिख सकदा, इहनूं रिमूव करना हुंदा ना, चलो एक बार लिख ही दिंदा, इत्थे एच तीन, इत्थे भी बोंड किन्ने हो गए? चार, इत्थे एच फिर तीन आ गए। हुण आपां इत्थे बेस पाउने आ एन ए ओ एच, बेस की प्रेजेंस होवे ते बीटा हाइड्रोजन भी होवे, केड़ी रिएक्शन हुंदी? एलिमीनेशन। इत्थे एलिमीनेशन होगी,
इत्थे भी आपां बेस लिखदे आ एन ए ओ एच। फिर सुनियो बेस प्रेजेंट होवे ते बीटा हाइड्रोजन होवे ते केड़ी रिएक्शन होनी आ एलिमीनेशन। एक गल दिमाग च बिठा लो प्रेजेंस ऑफ बेस ते प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन केड़ी रिएक्शन टेक प्लेस होगी एलिमीनेशन। एलिमीनेशन हुंदी किस तरह वा जेड़ा बीटा हाइड्रोजन आ ओह रिमूव हुंदा ते जेड़ा अल्फा अल्फा कार्बन दे नाल हैलोजन लगा ए रिमूव हुंदा। ए अपना बॉन्ड नाल ही लै जूगा इत्थों बॉन्ड नहीं जांदा ए हेठां इत्थे आ जाणा। ते इत्थे किहड़े प्रोडक्ट बणदे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच किन्ने रह गए दो एच इत्थे दो रह गए इत्थे भी एच किन्ने रह जांदे दो। बाकी किहड़ियां चीज़ां रिमूव हो गईआं एन ए ने किहदे नाल जुड़ना सी एल दे नाल एन ए सी एल भी रिमूव हो गया ते ओ एच नैगेटिव एच ना जुड़ गया वाटर भी रिमूव हो गया। ये तो हुण ये रिएक्शन आपां कीती इहनू देखियो इत्थे इत्थे फर्क की पै गया दो बीटा कार्बन आ ते दो ही बीटा हाइड्रोजन आ। कंडीशन ओह ही आ अल्फा कार्बन दे नाल जिहड़ा हैलोजन ए रिमूव होगा इन्हां दे विच्चों एक वार इहनू जेकर आपां रिमूव करिए बाकी किसी नूं कुछ ना करिए आ सी उस तरह एच किन्ने आ इत्थे एच तीन उस तरह अगे कार्बन उस तरह आ बोंड इत्थे आ गया डबल बोंड कार्बन इत्थे एच किन्ने रह गए दो रह गए इत्थे एक एच आ सी एल रिमूव हो गया। जां ते इदां दी चीज़ बननी ही इहदे तों जां इधर किस तरह की चीज़ बन सकती जेकर आपां इहनू रिमूव कर दें इहनू ना कर दें आ चीज़ नूं आपां रिमूव ना कर दें आ वाले बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर दें आ बॉन्ड इत्थे आ जाना है की आना ही कार्बन उस तरह तो एच किन्ने दे नाल तीन ए एच तीन उस तरह। फिर अगे सिंगल बॉन्ड कार्बन ये ना की बचिया हाइड्रोजन बचता इत्थे आड़ा बॉन्ड इधर आ गया डबल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड कार्बन तो एच किन्ने ने दो। एक दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते इन्हां चों ज़्यादा मात्रा च केड़ा बन सकदा दोवें मेजर होणगे इत्थे आवी मेजर प्रोडक्ट आवी मेजर प्रोडक्ट। एक कंडीशन होर बनाउने आ थर्ड थर्ड केस भी देखियो हुण आपां चार कार्बन इत्थे हैगे दो कार्बन इत्थे तीन कार्बन चार कार्बन वाला भी देखियो इत्थे हैलोजन लगा तो इस कार्बन नूं आपां किहड़ा कहांगे अल्फा कार्बन नाल वाला बीटा इत्थे भी बीटा इहदे नाल किन्ने हाइड्रोजन लाइए आपां तीन इहदे नाल किन्ने आउणगे तीन इत्थे किन्ने आउणगे दो ते इत्थे एक आऊगा। जदों आपां इहदे विच पाया बेस किद्दां दे प्रोडक्ट बन सकदे जां ते हो सकदा इत्थों रिमूव हुंदा हाइड्रोजन आ वाले बीटा कार्बन तो ते किद्दां दी चीज़ बननी ही सी एच थ्री उस तरह सिंगल बॉन्ड इत्थों रिमूव कर दो किन्ने एच रह गए सिर्फ इको रह गया इत्थों सी एल रिमूव कर दिए इत्थे इको एच रह जांदा इत्थे रह गया सी एच ते इत्थे किहड़ा बॉन्ड आ जाना डबल बॉन्ड ते इधर केड़ी चीज़ आ सी एच थ्री जां इदां दा प्रोडक्ट बनना ही। दूसरा देखियो जे इधरों रिमूव करते हैं आपां सी एच थ्री उस तरह सी एच टू भी उस तरह सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इतों एच रिमूव करता हुण इन्हां दोनों विच्चों आ मेजर प्रोडक्ट हुंदा ते दूसरे वाला किहड़ा प्रोडक्ट हुंदा माइनर। जे ते समिट्रीकल बनता समिट्रीकल का मतलब आ दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर उन्हों कही दा मेजर प्रोडक्ट। अनसमिट्रीकल अलकीन बनी डबल बॉन्ड के इधर किन्ने कार्बन आ तीन उधर एक आंदा माइनर प्रोडक्ट। इन्ना क्लीयर हो गया मेजर केड़ा बनना जे जे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ डबल बॉन्ड के इधर ठीक है। एक केड़ा रूल हुंदा जे जे क्वेश्चन बन जाता ना वट इज़ जेसेफ रूल जेसेफ रूल इस तरह का कोई क्वेश्चन तो वह यो ही दसदा जेसेफ रूल की दसदा वा इंडीकेट करता वा विच अलकीन इज़ मेजर और माइनर
दिमाग च रख लियो जेसेफ रूल किनू इंडीकेट करता भी केड़ा अलकीन मेजर होगा ते केड़ा माइनर होगा। एक किस रूल ना दसिया आ जिहड़ा इत्थे लिखिया है, ठीक करो कंप्लीट। तनु लग गया पता ना, ठीक है। कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन करने तो पहले ना दो गल्लां इधर देखियो। न्यूक्लियोफाइल केड़े हुंदे ने? न्यूक्लियोफाइल हुंदे आ जिन्हां कोल इलैक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होंगे, रिच इन इलैक्ट्रॉन। जिवें आपां कह लिए ओ एच नैगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल आ, सी एन नैगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल आ, एन एच थ्री अमोनिया इहदे उपर लोन पेयर हुंदा, ए एक न्यूक्लियोफाइल आ, वाटर वाटर इहदे कोल भी इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ए एक न्यूक्लियोफाइल आ। जां ते इन्हां दे उपर लोन पेयर इदा मैनशन कर दईदे, जां इन्हां दे उपर किहड़ा चार्ज हुंदा नैगेटिव चार्ज, इन्हां नूं आपां बोलीदा न्यूक्लियोफाइल। ये गल क्लीयर हो गई। हुण इत्थे एक हुणे आपां पढ़िया बेस, बेस आपां किन्हां नूं कहिंदे, जिवें जिन्हां दे विच ओ एच प्रेजेंट हुंदा, एन ए ओ एच हो गया जिहड़ा वाटर आ, वाटर बेस की तरह एक्ट भी करदा क्योंकि इहदे विच इह न्यूक्लियोफाइल भी हुंदा ते एसिड भी हुंदा ते बेस भी हुंदा, तां करके इहनूं एम्फोटेरिक बोलदे आ। इत्थे भी ओ एच, इत्थे भी ओ एच, इहनां नूं की बोलीदा आपां बेस। आ भी जेकर वेखीए ओ एच आ, इह भी ते बेस की तरह वर्क कर ही सकदे। पहली रिएक्शन भी वेखां किहड़े प्रोडक्ट बनने, ते दूजी विच भी देखियो जेकर आपां आ बॉन्ड इत्थों तोड़ दईए, एच नूं रिमूव कर दईए, इत्थे किहड़ा चार्ज आ जूगा नैगेटिव, जिदा ओ एच ही ना। जे इनू इतों आप हटा दें ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव हों, ये उपर कि चार्ज आ जूगा नैगेटिव, ये एक्ट करूगा एज आ बेस, एज आ बेस। इतों भी जेकर आप एच हटा दीए, इतने कि चार्ज आ गया नैगेटिव, ये एक्ट करूगा, देखते हैं बेस की तरह एक्ट करता कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता, दोनों चो देखा, ये भी देखते बेस की तरह एक्ट करता कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करूगा।
जेते होवे बेस इन्हें की करना हुंदा आ केड़ा कार्बन आ अल्फा ए तो नैक्सट केड़ा बीटा आवी केड़ा हुंदा बीटा जे ते बेस की तरह एक्ट करूगा तो एदा एच इतों रिमूव कर दूगा बीटा तो सी एल इस जगह तो रिमूव हो जाना ये गल क्लीयर होंगी तो अगे कि चीज़ा बननिया एच प्लस के जुड़ जाना सी एल दे नाल एच जुड़ गया सी एल दे नाल इधर कार्बन इतों एच रिमूव हो गया एच किन्ने रह गए दो ते केड़ा बॉन्ड आजूगा डबल बॉन्ड इतें एच हैगा सी एल हट गया इतों इतने केड़ी चीज़ आ सी एच थ्री केड़ी रिएक्शन हुई एलिमीनेशन जो हुणे पढ़िया न्यूक्लियोफिली क्यों नहीं हुई वह भी दसदा वा इतें देखियो आ जिहड़ा सी एच थ्री ओ नैगेटिव आ इन्हें की करना वा इन्हें कार्बन पर अटैक करना इस कार्बन पर अटैक करेगा किदां दीआं चीज़ां बनदियां न्यूक्लियोफिलिक याद आ ना जदों कार्बन पर अटैक करता आ सी एल इतों निकल जाता की बनूगा सी उपर केड़ी चीज़ है सी एच थ्री हेठां भी की आ सी एच थ्री आ जिहड़ा एच उस तरह सी एल निकलिया तो कौन आण के लग जाना आ पूरा ओ सी एच थ्री ये बन गया ईथर ईथर बन जाता तो इस रिएक्शन कही दा न्यूक्लियोफिलिक मेन गल की याद रखनी जे ते बेस हैगा बल्की बल्कि मतलब जेदे वड्डे ग्रुप लगे ने सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ये थ्री डिग्री बेस आ जे बल्कि बेस आ तो केड़ी रिएक्शन होनी एलिमीनेशन जे नॉर्मल बेस आ जिदा वन डिग्री हो गया जा मि आ हैगा मैथोक्साइड मैथोक्साइड आयन आ वेखो एक कार्बन आप मिथेन ही बोलीदा ना मैथ मैथोक्साइड आयन ऑक्सीजन लगा तो नैगेटिव चार्ज में आप आयन कहता जे तो नॉर्मल बेस आ हल्का जहा बेस आ तो कि रिएक्शन होनी न्यूक्लियोफिलिक पता लगा कि दोबारा दसदा फिर भी दसो नहीं समझ लगा ठीक है दोबारा देखियो कोई गल नहीं नाल ना क्वेश्चन नोट कर लियो जो टाइम अपना बचे फिर समझा दिना इधर ध्यान दिओ तुहानूं इस चीज़ की पछाण हैगी ना कार्बन दे नाल जदों हैलोजन लगा इनू की बोलीदा हैलोलकेन कार्बन दे नाल हैलोजन लगा हैलोलकेन इधर आपां सी एच थ्री ला दीए इधर भी सी एच थ्री ला दीए इस कार्बन दे बॉन्ड पूरे करिए एक दो तीन ते चार सी एच ये हैगा जे हैलोअलकेन हैलोअलकेन नूं आपां रिएक्ट कराउण लगे अलकोहल नाल किहड़ी अलकोहल आ साडे कोल थ्री डिग्री अलकोहल तीन सी एच थ्री लगे तो ओ एच लगा थ्री डिग्री अलकोहल थ्री डिग्री अलकोहल तो आ जिहड़ा सैकेंड ही ये केड़ी चीज़ ही जिदा साढ़े कोल आ सेम कंडीशन सी सी एल हैलोलकेन बन गया इधर भी सी एच थ्री इधर भी सी एच थ्री तो इतें एच ये साढ़े कोल हैगा वा हैलोअलकेन हैलोअलकेन एच पछाणीए भी जे तो बीटा बीटा हाइड्रोजन तो नहीं हैगा जे तो आ चीज़ा ना होंदिया इस तरह ना होंदा फिर तो पक्का कन्फर्म ही केड़ी रिएक्शन होनी न्यूक्लियोफिलिक जे इत्थे सी एच थ्री तो सी एच थ्री ना होंदा केड़ी रिएक्शन होनी ही न्यूक्लियोफिलिक क्यों न्यूक्लियोफिलिक आपां कहने पए क्योंकि इहदे कोल केड़ा कार्बन आ सिर्फ अल्फा कार्बन पर जेकर आपां इत्थे एक कार्बन होर लाता एक केड़ा कार्बन आ गया बीटा कार्बन फिर इतने चांस है गया केड़ी रिएक्शन होने दे एलिमीनेशन दे ठीक है इतने सी एच थ्री ला दिए सी एच थ्री ला दिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन इधर आप कंडीशन बदलीए कार्बन ओ एच अलकोहल पर अलकोहल आप नॉर्मल इस तरह सी एच थ्री ना ला के कल्ले एच लाते जे तो वड्डा ग्रुप आ तीन डिग्री इनू कही दा बल्कि ग्रुप बल्कि ग्रुप फिर की होना जे इन्हें एक्ट करना एज आ बेस इन्हें एक्ट करना एज आ बेस इन्हें अपना एच इतों हटा के एदे ते प्लस चार्ज आना एदे ते माइनस चार्ज होना तो बेस का काम की हुंदा हाइड्रोजन अट्रैक्ट करना बेस जेड़ा वा बेस किन्नू अपने नाल जोड़दा जे बीटा हाइड्रोजन
बेस का काम आ अपने किनू जोड़ना बीटा हाइड्रोजन एच बीटा हाइड्रोजन कितने इतने ना इतने बीटा हाइड्रोजन आ ए वाला जोड़ा हाइड्रोजन ये कि जुड़ जाना बेस न आ बोंड जोड़ा कि हो जाना डबल बोंड पता नहीं तुम समझ आन दिया कि नहीं आ हाइड्रोजन जोड़ा कि अट्रैक्ट होना जी बेस ना तो आ बोंड इतने आन के हो जाना डबल बोंड एक बार आपे करके वेखो प्रोडक्ट बनाओ पहले तो आ क्लीयर है मैं इतने बेस क्यों लिखिया क्योंकि एक केड़ी ए बेस की पछाण की होंगी OH इतने OH हैगा तेनू बेस क्यों कहने पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों नहीं करता पाया क्योंकि OH तो न्यूक्लियोफाइल में भी है बेस उदों कहना जदों ये बल्कि ग्रुप लगे ये बल्कि ग्रुप आ इतने जुड़ नहीं सकता स्टेरिक हिंड्रेंस होनी ये जुड़ नहीं सकता इन्हें की करना यदा हाइड्रोजन बस लगेगा अपने को आ जिहड़ा हाइड्रोजन हटा के ओ दे नाल जोड़ दिओ ते आ बोंड इधर शिफ्ट होके डबल बोंड हो जाना ठीक है तो आ जी सैकेंड डायरेक्शन आ इच OH हैगा OH होवे तो बेस भी कह देता OH होवे तो न्यूक्लियोफाइल भी कह देता पर आ नॉर्मल आ वड्डे ग्रुप नहीं है फिर ये बेस ना हो के कि तरह एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह तो न्यूक्लियोफाइल का काम की होंदा वा कार्बन ते अटैक करना इस कार्बन ते अटैक करना इन्हें आ H हट गया आ नैगेटिव आ इस कार्बन ना जुड़ के तो अगे प्रोडक्ट बना दो कोई ना कोई एच जो हटिया सी एल ना जुड़ जाना सी सी एच थ्री एच दो क्वेश्चन होर बनाने पता लग जाए चीज फिर
उपर जिहड़ियां रिएक्शनां लिखिया वा इन्हां च वेखो बीटा कार्बन हैगा। जे मैं इनू ना बनाउणा इत्थे सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री सी एल हैलोजन दे नाल जिहड़ा कार्बन लगदा उहनू किहड़ा कार्बन कहीदा अल्फा कार्बन। हैलोजन दे नाल कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन नहीं हैगा फिर अलीमीनेशन सोच भी नहीं सकते। अलीमीनेशन रिएक्शन की कंडीशन की आ कि प्रेजेंस होनी बीटा हाइड्रोजन की, तो बीटा हाइड्रोजन उदों ही हुंदा जदों किहड़ा कार्बन होवे बीटा कार्बन। ठीक है, जेकर आपां इत्थे सी एच टू ते इत्थे सी एच थ्री ला दीए हुण किहड़ा कार्बन आ गया बीटा कार्बन। हुण सानू सोचना पैना भी इत्थे अलीमीनेशन होगी कि सबस्टीट्यूशन होगी। सबस्टीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हुंदी। एक आ भी याद रख लियो जेकर होवे ना अलकोहलिक के ओ एच, अलकोहलिक के ओ एच जां होवे एक्वस के ओ एच, जे एक्वस आ ते फिर आ वाला बोंड ब्रेक हुंदा के प्लस वक्खरा ओ एच माइनस वक्खरा। जेकर एक्वस होवे ते केड़ी चीज़ बनदी आ के प्लस वक्खरा ते ओ एच माइनस वक्खरा। जे अलकोहलिक होवे इथों बोंड ब्रेक हुंदा इस जगह तो के ओ नैगेटिव वक्खरा ते एच प्लस वक्खरा। आ कंडीशनस पता लगियां, जेकर अलकोहलिक लिखिया वा फिर इथों बोंड टुटना, जेकर एक्वस लिखिया तो इस जगह तो बोंड ब्रेक होगा। इथों बोंड ब्रेक हुंदा के दे उपर प्लस ते ओ एच दे उपर माइनस, इथों बोंड ब्रेक हुंदा के ओ दे उपर माइनस ते एच दे उपर प्लस। जदों के ओ दे उपर माइनस आ गया, के ओ दे उपर माइनस आ गया तो इन्हें एक्ट करना एज आ बेस। जदों ओ एच दे उपर माइनस आ गया इन्हें एक्ट करना वा एज आ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये नवा रूल भी हुण सुन लो, जे अलीमीनेशन चाहते हैं तो केड़ी कंडीशन होनी चाहिए अलकोहलिक, जिथे अलकोहलिक लिखिया उत्थे केड़ी रिएक्शन होनी है अलीमीनेशन, जिथे एक्वस लिखिया उत्थे केड़ी रिएक्शन होनी है न्यूक्लियोफिलिक। इन्ना याद रह जू अलकोहलिक ते अलीमीनेशन, एक्वस लिखिया ते न्यूक्लियोफिलिक। अलीमीनेशन किद्दां हुंदी, अलीमीनेशन का रूल की हैगा बीटा तो हाइड्रोजन निकलू तो इत्थे केड़ा बोंड आ जांदा डबल बोंड, इत्थे हाइड्रोजन हटाता इत्थे डबल बोंड आ गया तो इत्थों हैलोजन बाहर चल जाना, आ चीज़ बन जाती की बनिया ये अलकीन। अलकीन तो न्यूक्लियोफिलिक की कंडीशन की, हैलोजन निकलता तो उहदी जगह पर कौन लग जाता जाके ओ एच, सी एच थ्री सी एच टू तो ओ एच की बनिया अलकोहल, अलकोहल बनता। होया क्लीयर? ठीक है, करो नोट।